आज के इस वीडियो में हम बेसिक नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर ली है। आप चाहें तो यहाँ नॉर्मल बुकरम ले सकते हैं या फिर चिपकाने वाली बुकरम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर ली है, जिसकी एक तरफ देखिए इस तरीके से शाइनिंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि हीट से कपड़े पर चिपक जाते हैं, और दूसरी साइड ये नॉर्मल रहता है जिधर हमें नेक की मार्किंग करनी होती है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पेस्टिंग पेपर को बीच में से फोल्ड कर लूँगी, और डबल फोल्डर में पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। तो अब हम यहाँ नेक की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। तो हम देखिए इस तरीके से सीधा करते हुए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे, और नेक की गहराई मैं यहाँ 7.5 इंच रख रही हूँ। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम देखिए इस तरीके से स्केल की हेल्प से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, जिससे कि हमें नेक को शेप देने में आसानी होगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। और अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाते हुए मैं यहाँ नॉर्मल राउंड शेप बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप यहाँ रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ नेक का शेप रेडी कर लूँगी। और अब हम यहाँ नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए इस तरीके से पूरे नेक पर 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और एक बार निशान लगाने के बाद हमें इन सभी निशानों को आपस में मिला लेना है और एक नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर लेना है, देखिए कुछ ऐसे। तो यहाँ हमारे नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमें बिल्कुल पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए रखना है, और उसके बाद ही यहाँ हमें नेक की कटिंग करनी है। इससे हमारा नेक का शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और जैसा हमने नेक की मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही हमारी कटिंग होगी। तो देखिए यहाँ हमने नेक की भी कटिंग कम्प्लीट कर ली है, और ये हमारा नेक अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम यहाँ एक कपड़े का छोटा टुकड़ा लेंगे, जिसकी रॉन्ग साइड पर हमें यहाँ नेक को रखना है। तो इसकी जो शाइनिंग वाली पार्टिकल्स है उसे हम कपड़े की तरफ रखेंगे, और देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से रखते हुए हमें इस पर आयरन कर लेना है और इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है। इसे चिपकाने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। और फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसे देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए हमें यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ इसके किनारों को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ ऊपर में से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क करने के लिए हम देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ दोनों तरफ देखिए इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे पेस्टिंग पेपर के साथ ही। और अब हम यहाँ इंची टेप लेंगे, और इंची टेप से देखिए इस तरीके से हम 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और ये निशान हम यहाँ डोरी अटैच करने के लिए लगा रहे हैं। तो जैसा कि ये हमारा बैक नेक है तो हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने सूट के फ्रंट नेक को रेडी करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ डोरी वाली पार्ट को स्किप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ निशान पर अपने डोरी को रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और अगर आपको इस लटकन की ट्यूटोरियल देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने नेक में डोरी को अटैच करेंगे तो हमारी नेक में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। और अगर आप डायरेक्टली ही डोरी को नेक में अटैच करते हैं तो इससे जो हमारी डोरी के धागे होते हैं वो बाद में निकलने लगते हैं और वो डोरी ज़्यादा दिन नहीं रहती। तो आप ऐसे अपने नेक में डोरी को अटैच करें। अब हम यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेंगे, और यहाँ हमें कुर्ती का भी सेंटर मार्क कर लेना है।
यहाँ कुर्ती का सेंटर मार्क करने के बाद अब हम अपने नेक को लेंगे और यहाँ हमें नेक को कुर्ती के राइट साइड की तरफ रखना है। हम यहाँ दोनों कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच रखेंगे और इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा नेक है वो अपनी जगह पर बनी रहे और हमें यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ नेक के बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और अब हम यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगानी है, तो जितना हमसे हो सके हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और यहाँ हमें बिल्कुल महीन सिलाई से ही इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो हम यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम पूरे नेक पर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और ये कट लगाते समय हम ध्यान में रखेंगे कि इससे हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। कट लगाने के बाद अब हम देखिए कुछ इस तरीके से अपने नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। तो हम इसी तरीके से धीरे धीरे नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड की तरफ करते जाएंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। और ये टॉप स्टिचिंग हमें यहाँ बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और सफाई के साथ इस पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई यहाँ ऊपर की तरफ दिखेगी, तो हम इस पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी टॉप स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी हो गया है। बस हमें यहाँ पीछे की तरफ हाथों से हेम कर लेना है और इसके साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने नेक को पेस्टिंग पेपर से या फिर बुकरम से रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।